तो कुकिंग मेरा पैशन था, अच्छा खाना बनाने का बहुत शौक था। तो एक यही फील्ड था जिसमें मुझे बहुत कॉन्फिडेंट था कि मैं ये बिजनेस बहुत बढ़िया कर सकती हूँ। तो भाई आज हम हैं पेफुल मैम के पास, जिनको हर कोई जानता है भाई, तो इनसे मिलते हैं और बात करते हैं। हेलो मैम। हेलो मैम, आपको हर कोई जानता है, बट थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बता दो अपने बारे में, बैकग्राउंड के बारे में। थैंक यू, मुझे जानता है तो आप लोग की बदौलत ही जानता है भाई, ब्लॉगर्स ने वायरल कर रखा है। तो अपनी थोड़ी सी कहानी बता दो। पेटफुल की हाँ, थोड़ी सी जर्नी बता दो, कैसी रही है जर्नी, कैसे स्टार्ट किया? पेटफुल एक्चुअली मेरे को अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी थी, बिल्कुल अपना नाम बनाना था कि औरतें किसी से कम नहीं होती, सिर्फ घर में बैठने के लिए नहीं होती, लेकिन जब अपने उस पे आ जाती हैं सेल्फ रिस्पेक्ट और स्टैंड्स पे, तो बहुत कुछ कर सकती हैं। तो कुकिंग मेरा पैशन था, अच्छा, खाना बनाने का बहुत शौक था। तो एक यही फील्ड था जिसमें मुझे बहुत कॉन्फिडेंट था कि मैं ये बिजनेस बहुत बढ़िया कर सकती हूँ। और ये भी चीज पता थी कि स्ट्रीट्स पे ना होममेड फ्रेश फूड नहीं मिलता। हाँ, ये बात तो है। प्योर फूड नहीं मिलता, बिल्कुल। तो आई थिंक एक पब्लिक सर्विस भी हो जाएगी, लोग तरसते हैं ऐसा खाने खाने के लिए, और मेरा बिजनेस भी होगा। अच्छा, तो बस ये मोटिव उठा के निकल आई, और एक मोटिव और उठा के आई, जिस जर्नी से मैं गई हूँ अपनी लाइफ में, तो एटलीस्ट मैंने फाइट किया है और निकल के आई, तो मैं लोगों के लिए मोटिवेशन बन सकूं, एम्पावरमेंट की बात करी हाँ, आपने, इंस्पायर कर सकूं लोगों को कि जिंदगी में हार नहीं माने, गिव अप नहीं करें, हमेशा फाइट करें, चैलेंजेस एक्सेप्ट करें, निकल के आए, और आपके अंदर जो भी टैलेंट है ना उसको, उस पैशन को जरूर फॉलो करें। अच्छा, तो स्टार्टिंग में आपको मतलब काफी ज्यादा मुसीबतें भी झेलनी पड़ी होंगी। परेशानी आती है हर किसी की लाइफ में आती है। तो यहाँ पे कितना टाइम हो गया मैम आपको? मुझे 2 साल, 2 इयर्स प्लस हो गए, 2 इयर्स प्लस हो गए यहाँ पे। तो ये सारी चीजें आप खुद बनाते हो ना? मैं खुद कुछ सिंगल हैंडेड। अच्छा, मतलब कोई दूसरा, कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है। तो क्या क्या मिलता है अपने पास? पूरा प्रॉपर घर का खाना होता है, दैट इज राजमा राइस, कढ़ी राइस, मटर पनीर राइस, चाप राइस। तो अभी ये क्या लग रहा है मान ले? दिस इज राजमा राइस। राजमा राइस, और क्या क्या रहेगा इसमें? हाफ प्लेट राजमा राइस। तो यहाँ पे देख सकते हो भाई, मेन्यू है ये पूरा। ये देखो, राजमा राइस, कढ़ी राइस, मटर पनीर राइस, पालक पनीर राइस, मसाला चाप राइस, स्पेशल थाली और स्पेशल प्लेटर, ये सारी चीजें मिल जाएंगी, सलाद भी मिल जाएगा। तो अभी मैम को आए हुए लगभग सिर्फ 1 घंटा भी नहीं हुआ होगा, और ऑलमोस्ट यहाँ पे खाना खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे क्रेज काफी ज्यादा है भाई मैम का, तुरंत खाना पैक हो जाता है और बिक जाता है, ऐसे ही है ना मैम? यस, 2-2.5 घंटे में पापड़ भी है साथ, 2-2.5 घंटे में सारा खाना फिनिश। तो आज आप लेट भी आए, तो थोड़ा सा आज थोड़ी सी लेट हो गई गर्मी की वजह से, गर्मी की वजह से भी चीजें थक जाते हैं बनाते बनाते। हाँ, टाइम तो लगता ही है, टाइम लगता है। हाँ, 50। तो मैम डेली लगाते हो या कभी ऑफ होता है? सिर्फ संडे ऑफ होता है, संडे को ऑफ है, क्योंकि ऑफिसेज बंद होते हैं। और किसी को आना हो तो कहाँ पे आना पड़ेगा भाई? पेटफुल आने के लिए तो आपको ईस्ट दिल्ली निर्माण विहार इज द नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन, वहाँ से 100 मीटर अंदर आएंगे भारती पब्लिक स्कूल, भारती पब्लिक स्कूल के जस्ट सामने पेटफुल की गाड़ी होती है। ओके, थैंक यू मैम। अच्छा अच्छा, बढ़िया लगता है जी, घर का फील आता है पूरा, खाने हाफ या फुल। तो भाई 2 साल से भैया यहाँ पे खा रहे हैं, तो आपका मतलब यहाँ पे फेवरेट कौन सी डिश है? नहीं, राजमा कढ़ी मटर पनीर चाप फिनिश, कढ़ी चावल भी मैम का अच्छा होता है, मैं बता दूंगा कि हमें भी हमारे यूज़ भी लगना चाहिए कि हमें बढ़िया लग रहा है। इसके चार्जेस अलग हो जाएंगे घर वाले भाई, ये देख सकते हो घर वाला एकदम स्वाद बता रहे हैं भैया, और यहाँ पे पब्लिक देख सकते हो भाई, सारी पब्लिक आ चुकी है, पब्लिक खड़ी हुई है, और इधर भी यहाँ पे भी काफी ज्यादा पब्लिक है। तो भाई ऑलमोस्ट यहाँ पे खत्म हो चुका है 1-1.5 घंटे के अंदर सारी चीजें। तो ये स्कूल है, यहाँ पे आ सकते हो भाई, ये सारी चीजें मिल जाएंगी, काफी सारे ऑप्शन भी है, जौन सा भी ट्राई करना चाहते हो मिल जाएगा आपको।